नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एज ए ट्रेडर्स। आइए देखते हैं आज बैंक निफ्टी ने क्या किया। जैसे कि मैंने आपको कल लेवल दिया था फ्रेंड्स, कौन सा लेवल दिया था फ्रेंड्स, मैंने आपको कल दिया था फ्रेंड्स कि 36,300 से लेकर 36,470 पे फ्लैट ओपन होगा तो हमारा ये लेवल काम करेगा। लेकिन उसने आज क्या किया, उसने आज गैप ओपन कर दिया। ओके, ये ओपन हुआ 36,630 के ऊपर, उसने ओपन किया। वन डे के कैंडल में चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, आज हम उसका ओपनिंग हुआ है फ्रेंड्स आज 36,627 पे है। उसका हाई है 36,827 और उसका लो है 36,064 और आज का क्लोजिंग हुआ है उसका 36,147 पे। और मैंने आपको जो टारगेट दिया था फ्रेंड्स अपसाइड के अंदर, और पहले के अंदर में उसने पहला वाला टारगेट अचीव कर लिया फ्रेंड्स, और ये दूसरा वाला टारगेट अभी आया नहीं। और डाउन के साइड में अगर हम चेक करेंगे 5 मिनट की कैंडल में, तो मैंने आपको 5 मिनट के कैंडल में बोला था, मैंने 15 मिनट की कैंडल में आपको बोला था कि डाउन साइड में 36,300 ब्रेक करेगा तो हमारा पहला टारगेट डाउन के साइड में आएगा 36,195 और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 36,100। तो आप यहाँ पर चेक करोगे फ्रेंड्स कि ये दोनों टारगेट के पास अचीव कर लिया फ्रेंड्स, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, और उसका क्लोजिंग हुआ है हमारे 2000 मूविंग एवरेज के पास उसने क्लोजिंग दिया है। ओके, तो आइए देख लेते हैं अब कल वो क्या करेगा। कल हमारी वीकली एक्सपायरी भी है तो हम कल देख लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। इसको मैं निकाल लेता हूँ, पहले पूरा को निकाल ही देता हूँ, चलो ना अभी इसका कोई ज़रूरत है नहीं। ओके फ्रेंड्स, मैं लगा लेता हूँ 50 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ स्क्रीन पे, और हम कल के लिए मैं आपको डायरेक्ट बोलूँगा फ्लैट जोन ड्रो नहीं करने वाला। मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ लेवल कि अगर कल टूमोरो हमारी वीकली एक्सपायरी भी है तो 36,050 ब्रेक करेगा तो उसका पहला डाउन के साइड में आएगा टारगेट उसका 35,900 और दूसरा टारगेट आएगा डाउन के साइड में फ्रेंड्स 35,750। और अपसाइड में अगर हम चेक करेंगे फ्रेंड्स, तो अपसाइड में अगर ये इस लेवल को निकालेगा 36,180 निकालेगा तो उसका अपसाइड में लेवल आएगा फ्रेंड्स उसका 36,280 अपसाइड में, और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका 36,400 क्योंकि कल एक्सपायरी भी है तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग का भी चांस हमें मिल सकता है कल। ओके, तो मैं अभी क्या करता हूँ प्राइस लेवल में उसके ऊपर लगा लेता हूँ मैं, ये ब्रेक करेगा तो 36,500 ब्रेक करेगा ये होगा जो फ्लैट जोन दे ही देता हूँ मैं आपको पता चलेगा, समझ लो ये हमारा फ्लैट जोन हो गया। ओके, डाउन साइड में पहला टारगेट हमारा रहेगा 35,900, दूसरा टारगेट रहेगा 35,750 और तीसरा अपसाइड में फर्स्ट टारगेट रहेगा 36,280, दूसरा टारगेट रहेगा 36,400। ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का कल के लिए ये लेवल। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं निफ्टी ने आज क्या किया। जैसे कि मैंने निफ्टी का लेवल मैंने दिया था, उसने भी आज गैप ओपन किया फ्रेंड्स। वन डे के कैंडल में चेक करेंगे, वन डे के कैंडल में आप चेक करोगे फ्रेंड्स तो उसका आज ओपनिंग हुआ है 70,405 पे, और उसका हाई मारा है 70,442 और उसका लो है 70,199 और उसका क्लोजिंग हुआ है 70,245 पे, 245 उसका क्लोजिंग है। तो मैंने आपको जो अपसाइड का जो लेवल दिया था 427 का सेकंड वाला, वो भी आज अचीव कर लिया फ्रेंड्स। और डाउन की साइड में आप चेक करोगे
तो पहला वाला लेवल डाउन के साइड में मैंने जो आपको जो दिया था 70,200 का, वो अचीव हो गया। ओके, ये दोनों टारगेट अपसाइड का ओपन हो गया, लेकिन किसी को ट्रेक करने का मौका नहीं मिला होगा क्योंकि गैप ओपन हुआ। हमारा फ्रेंड जोन था ये वाला। ओके, और डाउन के साइड में 70,270 ब्रेक किया तो उसने लो मारा 70,200, यानी डाउन के साइड में हमारा फर्स्ट लेवल अचीव हो गया। आइए देखते हैं कल निफ्टी क्या कर सकता है। मैं एक ट्रेन लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, देखते हैं ये ट्रेन लाइन कहाँ से कहाँ जाती है। यहाँ से लेके यहाँ पर ये लगातार यहाँ पे टेस्ट कर रही है, ये 1, 2, 3 और 4 टाइम यहाँ पे टेस्ट किया है ट्रेन लाइन को 15 मिनट की चार्ट में निफ्टी ने। तब कल क्या करे, कल फ्लैट जोन रहेगा हमारा फ्रेंड्स यहाँ से लेके ये वाला। अगर कल टुमारो निफ्टी ने ये लेवल ब्रेक किया फ्रेंड्स 70,200 पकड़ लो मैक्सिमम, तो डाउन की साइड में उसका पहला लेवल आ सकता है फ्रेंड्स 70,200। अगर उसने कल 70,220 ब्रेक किया तो उसका पहला तरह के डाउन की साइड में आएगा फ्रेंड्स 70,170, और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका ये वाला पकड़ लेते हैं हम 70,120। और अपसाइड में अगर उसने ये लेवल ब्रेक किया 70,280 तो उसका पहला टारगेट आएगा फ्रेंड्स 70,300, और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका 70,350। ये हो गया हमारा निफ्टी का। ये प्राइस लेवल भी मैं लगा लेता हूँ फ्रेंड्स, 220 ब्रेक करेगा अपसाइड में रहेगा हमारा 270, तो अपसाइड में पहला टारगेट आएगा 315, दूसरा टारगेट आएगा 348, और डाउन के साइड में पहला टारगेट आएगा हमारा 70,172, और दूसरा टारगेट आएगा डाउन के साइड में 70,127। और अगर ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। जैसे कि यहाँ 5 मिनट में आप चेक करोगे यहाँ पे उसने क्या किया फ्रेंड्स, जैसे कल मैंने आपको बोला था कि डाउन साइड में ज़्यादा ओपन होता है तो उसने बुलिश कैंडल बनाया था, हैमर कैंडल बनाया था। आज उसने यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये जो कैंडल बना हुआ है ये वाला वो बेरिश कैंडल है, ये शूटिंग स्टार कैंडल है। इसी का लो ब्रेक होता है तो पुट बाई कर लेने का, ऐसे इन फ्यूचर में कहीं भी ऐसे मिले तो। और इसी का ये इसका हाई जो रहेगा उसको स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा जब गैप अप ओपन होता है तब। फ्रेंड्स, ये वीडियो में एजुकेशन प्रपोज से ही बनाता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।